नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, मुझे लगता है कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि रोज सुबह सुबह आप सबके दीदार मुझे होते हैं और सारा दिन सचमुच बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, सारा दिन बन जाता है। और मुझे लगता है कि आप सबका भी ऐसा ही अनुभव होगा, राइट? मुझे देखकर ना सही, लेकिन मेरी अच्छी अच्छी बातें सुनकर जरूर ये होता होगा, क्योंकि सबरंग में हम कोशिश ही यही करते हैं कि जीवन से जुड़े हुए बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बातें सुबह सुबह आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि सारे दिन उन्हीं रंगों से आप खिले रहें, महकते रहें, आनंदित रहें। आइए आज भी शुरुआत करते हैं सुंदर सुवाक्य से। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई छोटा मार्ग नहीं होता है। जिस तरह सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही होता है, इससे अलग कोई तरीका है ही नहीं। उसी प्रकार मूल्यवान बनने के लिए एक ही यथार्थ रास्ता होता है, जिस पर चलते हुए हमें अपनी कमियों को निकालना ही पड़ेगा, जिसमें ही हमें कठिनाई का अनुभव होता है। वही अगर हम बिना कठिनाई के सफल बनना चाहते हैं, तो यह जान लेना चाहिए कि वह कुछ ही देर की सफलता है, स्थायी नहीं। मित्रों, पिछला 2 वर्ष हम सबके लिए ऐसा बीता है जो सचमुच एक अलग ही अनुभव लेकर आया। एक ऐसी महामारी, कुछ ऐसी चीजें जो हमने कभी नहीं देखी थी, ना ही सोची थी। कोविड के रूप में ये आया और कई प्रकार के बुरे अच्छे अनुभव दे गया। अब तक भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है, इसीलिए हमें सावधान रहने, सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि हम सब स्वस्थ रहें, औरों को भी सुंदर स्वास्थ्य की प्रेरणा देते रहें। इसीलिए आज आपकी सेहत आपके हाथ में बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड केयर की। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हमने कोविड की 3 लहर देखी। कोविड एक महामारी के रूप में आया, लगभग मैं समझता हूँ सभी को ही कोविड का इन्फेक्शन हुआ। कुछ ही खुशकिस्मत रहे जिनको कोविड नहीं हुआ, और वैक्सीनेशन तो काफ़ी लोगों ने कराया है। तो अब पोस्ट कोविड हमें देखने में आ रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को, लगभग 30-40% लोग कुछ ना कुछ कोविड के बाद कुछ ना कुछ, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम चल रही है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है, किसी के और भी ब्रेन के फंक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है, किसी के लिम्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी स्किन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अभी हमें देखना है कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम देखने में आ रही है वो लंग्स में आ रही है, फेफड़ों में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, लंग्स में डैमेज हो गया है। कोविड के टाइम निमोनिया हो करके दोनों लंग्स में इन्फेक्शन होने के बाद वो फिर जो उसके बाद आज वो लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई है। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपको कोविड हुआ है और लंग्स में अगर आपको निमोनिया हुआ था, तो रेगुलरली आप लंग्स की एक्सरसाइज करें और डेली वॉकिंग लगभग 1 घंटा सुपर वॉक करें, तेज वॉक करें, बिना बातें किए हुए वॉक करें, और शाम को भी 1/2 घंटा बिफोर सनसेट वॉक कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके लंग्स धीरे धीरे रिपेयर होते जाएंगे। हार्ट के लिए आप, अगर आपको हार्ट पे असर आया, आप हार्ट पेशेंट पहले से हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो दोस्तों एक एस्पिरिन की टैबलेट डेली लंच के बाद एक 150 मिलीग्राम या 75 मिलीग्राम एस्पिरिन डेली लेते रहें, ये आप ना भूलें। कम से कम अगर कोविड आप यंग हैं तो भी आप 3 महीने तो ले लें कोविड होने के बाद। अगर आप ओल्ड हैं, 50 की उम्र के बाद, 45 की उम्र के बाद हैं, या आपको हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो उसको तो आप लंबा समय लेते रहें, आपके हार्ट के लिए वैसे ही फ़ायदा रहेगा। डेली अच्छी मात्रा में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, ज़्यादा फाइबर, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर दोनों लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और पूरा प्रिकॉशन रखें, भले अब कोविड थोड़ा कंट्रोल में आ गया है, फिर भी हम ध्यान रखें 6 फुट की दूरी और मास्क का यूज़ करना चालू रखें, हैंड हाइजीन को मेंटेन करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपने लंग्स को स्वस्थ बनाएं, अपने हार्ट को स्वस्थ बनाएं और पूरे समाज को स्वस्थ बनाएं। तो अपना और अपनों का बेहतर ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सचमुच जीवन का संपूर्ण हम आनंद ले पाते हैं। ठीक है, जीवन में
उतार चढ़ाव तो आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, बातें आती हैं, लेकिन मानव की यही एक सुंदर विशेषता कि वो कल को पीछे छोड़कर आगे से आगे बढ़ता है, और आप सब भी यही करते हैं, यही करना चाहिए। इसके साथ आज हम चलते हैं एक छोटे से बच्चे की ओर, जिसकी बुद्धि सचमुच बहुत ही विशाल है, चमत्कारिक है। आज भी यदि हमें किसी चीज़ की जानकारी चाहिए होती है तो हम तुरंत गूगल करते हैं और उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही एक बच्चा जिसे गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य पंडित। सचमुच चमत्कारिक बच्चा है और सुंदर अनुभव आज हम सबके साथ सबरंग में साझा करने के लिए आ रहा है। आइए सुनते हैं। विशेष कौटिल्य, एक बात, चूंकि आप अभी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आए हुए हैं, यहाँ विद्यालय में आपने चारों तरफ भ्रमण किया है, और मैंने विशेष ये भी कहा आपको कि कुछ सुंदर ज्ञान की बातें आपको यहाँ पे सुनाई गई हैं, सिखाई गई हैं। बाबा के कमरे में आप बैठे? हाँ। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर लगा। एक प्रश्न है मेरा, यदि आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? मैं? हाँ। सेवा। क्या सेवा करोगे? पर मेरी तो ये है कि जहाँ भी भ्रष्टाचार होगी उसको मिटाना जरूर है, इसके ऊपर मेरी कविता है। जी हाँ, सुनाइए। इरशाद। हो गई है पीठ पर अच्छी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर दो कीट रहने लगी, शर्ट लेकिन ठीक ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा कर ना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में चाहिए। हो कहीं आग पर ये आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। क्या बात है, आपकी आग दिखाई दे रही है। इसका आग का मीनिंग ये है कि जहाँ पे भी भ्रष्टाचार हो और वो वहाँ पे ही जलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार जल जाए। पहले है मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में यही। बिल्कुल, मैं नहीं कर पाऊँ तो तू भी करेगा, नहीं तो ये सब कर सकते हैं, पर उसको पर वो जाम भी हो वो जलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस कविता को सुन करके मेरे सीने में तो आग जलने लगी है, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके सीने में भी अब आग धधकने लगी होगी कि भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल दूर करेंगे और एक अच्छे राम राज्य की स्थापना करें। कौटिल्य, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ आए, बहुत सारे सुंदर हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। हम यही चाहेंगे कि आप बहुत बहुत आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें, देश का नाम रोशन करें। अब भी आप नाम रोशन कर रहे हैं, देश का और भी आगे रोशन करते रहें, और बार बार इस ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में आते रहें। आते रहेंगे बार बार? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मित्रों, किसी ने कहा है आओ कुछ काम करें खुदा के बंदों के लिए, अपने लिए तो काफी जी लिए, अब जीते हैं जरूरतमंदों के लिए। सचमुच जीवन कितना सुकून और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है जब अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीने लगते हैं, और यही हम हमेशा पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए भाई बहनें लगातार अलग अलग वर्ग के लोगों तक पहुंचकर उनकी सुंदर सेवा करते हैं, उनकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हैं। 11 मार्च को ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी गुलजार जी का पहला स्मृति दिवस मनाया गया। दादी जी की याद में टावर ऑफ डिविनिटी का भावपूर्ण उद्घाटन किया गया। यह स्मृति स्थल अवैध लोक के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम में संस्था की वर्तमान मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी तथा देश विदेश से पधारे सभी वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने उपस्थित रहे और फूलों से दादी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का अव्यक्त लोक सभी को हमारी प्यारी गुलजार दादी जी की उपस्थिति का अनुभव कराता रहेगा। महक रहा है आज भी तुमसे।
मित्रों, देखते ही देखते हम अंत तक पहुंच गए। देखिए ना, समय का पता ही नहीं चलता आपके साथ जो 10-15 मिनट बीतते हैं प्रतिदिन प्रातःकाल के, सचमुच वो बहुत ही अनमोल होते हैं। क्योंकि जब हम आपस में एक पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी बातों की लेन देन करते हैं, तो वक्त का कहाँ पता चलता है। सचमुच जीवन यदि ऐसा ही हो जाए कि जो अपने लिए ही नहीं लेकिन औरों के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें देखना, अच्छी बातें करना, तो सारा संसार कितना अच्छा हो जाएगा ना। क्यों ना इसे हम अपने चारों ओर प्रसारित करें। ये ऐसी खुशबू है जो खुशबू सबके जीवन को महकाएगी और सबका जीवन दुख अशांति से मुक्त होकर सुख शांति से परिपूर्ण हो पाएगा। यही तो हम सबकी कामना है ना। तो आपका भी जीवन आनंद से भरपूर हो और औरों के जीवन को भी आप आनंद से भरपूर करते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।